लंबे समय से नाबालिग बच्ची लापता थी। तलाश जारी थी, बच्ची तो नहीं मिली लेकिन उसका कंकाल जरूर मिल गया। बच्ची के कपड़ों से पहचान हो सकी कि ये कंकाल उसी लापता बच्ची का है। जांच में सामने आया कि नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार किया गया है और हत्या कर उसे फेंक दिया गया। नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सभी दल व समाज सेवियों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। सिंगरौली जिले की शासन चौकी की खमरिया निवासी नाबालिग बच्ची के अपहरण एवं हत्या की घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने शासन पुलिस चौकी का घेराव किया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। बच्ची नाबालिग थी तो जाहिर है कि कोई उसे बहला फुसला कर ले गया होगा, मगर पुलिस ये कहकर अपना पल्ला झाड़ती रही कि बच्ची स्वेच्छा से गई है और पुलिस ने लापरवाही पूर्वक रवैये का नतीजा ये रहा कि नाबालिग बच्ची तो नहीं मिली, उसका कंकाल जरूर मिला। समाज सेवी और सभी दल के नेताओं ने एक आवाज में कहा है कि जल्द से जल्द दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मृतक बच्ची और उसके परिवार वालों को न्याय मिल सके। पुलिस कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को बचाने के प्रयास किए हैं। भाजपा विधायक सुभाष वर्मा, भाजपा नेता रामनिवास शाह, आम आदमी पार्टी नेता संदीप शाह, एबीवीपी बजरंग दल सहित कई पार्टियों के कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि खमरिया निवासी छात्रा का आलम अंसारी नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया था और उसका बलात्कार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। लंबे समय से तलाश थी बच्ची की, मगर 10 जुलाई को बच्ची का कंकाल मिला। पीड़ित परिवार और तमाम स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। उनका मानना है कि चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने आरोपियों के बचाव का प्रयास किया था। प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं लोगों ने 24 घंटे का समय देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और यदि गिरफ्तारी नहीं की गई और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अपना अगला कदम उठाएंगे। नाबालिग मृत बच्ची के परिवार को सांत्वना देने भाजपा सिंगरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल बच्ची के घर भी पहुंचे थे। एडिशनल SP सिंगरौली प्रदीप सेंडे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो आरोपी अनुसंधान में मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जरूर जाएगा। थाने का शासन चौकी का मंगलौर गांव का घटना है। 18 जून को एक बच्ची अपने घर से चली गई थी, उसकी रिपोर्ट उसके परिजनों के द्वारा शासन चौकी पे 22 तारीख को पिछले माह में रजिस्टर्ड करवाई थी। अज्ञात के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया जाकर विवेचना में लिया गया था। उसका लगातार हम घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अभी 12 तारीख को जुलाई में शाम के समय सूचना मिली कि सरईझर के जंगल में एक दर्जन का है। सूचना पाते ही हमारा पुलिस दल मौके पर पहुंचा, उसमें साक्ष्य कलेक्ट किया हमने, उसका इन्वेस्टिगेशन किया कौन आरोपी हो सकता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आरोपी हमने अभी अरेस्ट किया, उसको आज यहाँ पे पेश कर रहे हैं। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जो जो घटना हुई उसके अनुसार हमने पूर्व से पंजीकृत अपराध में धाराएं हमने बढ़ाई है। आगे भी जो इविडेंस में आएगा उसके अकॉर्डिंग जिनके विरुद्ध आएगा उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। रीता शाह की निर्संग हत्या के बाद पूरा शहर सदमे में है और मेरा यही कहना है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का भी जिले का दायित्व तो है मेरे पास, तो मैं मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश और मानवाधिकार आयोग राष्ट्र से और तमाम गवर्नमेंट के सभी आला कमान से मेरा एक ही निवेदन है कि न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिसमें कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो मुख्य आरोपी है, सह आरोपी आज भी फरार हैं, तो उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए एज पर पॉक्सो एक्ट। और ये जघन्य अपराध है, मैं ये समझती हूँ कि निर्भया से भी ज्यादा विभत्स घटना है। भारतीय जनता पार्टी जिला के मुखिया होने के नाते यह घटना जब से घटी है लगातार जिला प्रशासन पर बात करते हुए हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हों या यहाँ के स्थानीय TI हों, और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस हत्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आरोपी व्यक्ति था वह पुलिस की गिरफ्त में भी ले लिया गया है। जहाँ तक बात है उनसे उस आरोपी के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति उसकी भी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा चौकी को लेकर के कुछ ज़्यादा विवाद आए हैं,
इसके लिए भी हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मैंने बात किया है। बहुत ही जल्द जो भी आप सबों को माननीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा आपके इस हत्या से जुड़े हुए आरोपियों का पर्दाफाश होगा। जैसे मुझे जानकारी, मुझे बहुत दुखद घटना हुई है इस परिवार में, और घटना से पहले जो पूर्व की जांच थी, जो लोग एफ आई आर का लिखवाने जब आते, मैंने एस पी कार्यालय में मैं एस पी साहब से बात किया था, और जैसी घटना की जानकारी को मिला, और जैसे मुझे परिवार को देखने के लिए जानकारी मिलते ही मैं शासन चौकी में सब एकत्रित कर हमारे ए बी सी के विद्यार्थी सब उनकी कुछ मांगे थी कि तत्कालीन जो हमें फिर एस पी साहब से बात कर और जानकारी लिया कि उसको निष्पक्ष जाँच, और एस पी साहब ने कहा कि स्वयं मैं जांच कर रहा हूँ, इसकी चिंता की नहीं, मैं तत्काल जो दोषी पाए तत्काल से तत्काल कार्रवाई करूँगा जो भी दोषी पाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।